नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें कई चैप्टर हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो हम वेव चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, यू नो, जिसको हिंदी में बोला जाता है तरंग। तो आइए प्यारे बच्चों, बड़े शानदार और बड़े बेहतरीन तरीके से और बड़े आसान से शब्दों में हम समझते हैं कि वेव क्या होती है, तरंग क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जब मैं वेव की बात करता हूँ, यू नो, जिसको हिंदी में बोला जाता है तरंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेव क्या होती है? वेव, तरंग। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों बताइए कि वेव क्या होती हैं, तो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर वेव का मतलब होता है कंपन। बिल्कुल सही है, वेव का मतलब होता है झनझनाहट। तीनों की ये तो है माँ। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, वेव का मतलब होता है झन्नाटे। क्या लगा चाचा? बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ये सारी बातें सही है। जो भी आपके दिल और दिमाग में चीजें चल रही हैं, जैसे ही मैंने वेव का नाम लिया, तरंगों का नाम लिया, बच्चे बताते हैं कि सर लहर। नोट कर लेना, करके भी देखना भाई। लहर, पानी में जो लहरें चलती हैं वो भी किसका रूप है? वेव का ही रूप है। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं प्यारे बच्चों, 100% बिल्कुल सही हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि वेव को एक साइंस के टर्म्स में क्या बोला जाता है, किसी भी पदार्थ में उत्पन्न डिस्टरबेंस को, क्या प्यारे बच्चों? किसी भी पदार्थ में उत्पन्न टाइप है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, डिस्टरबेंस को जी क्या बोला जाता है? किसी भी पदार्थ में उत्पन्न डिस्टरबेंस को क्या बोला जाता है? तरंग बोला जाता है। एक आदमी का परिचय, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो इसमें कुछ ना कुछ कंपन पैदा होगा। मतलब किसी भी पदार्थ में उत्पन्न डिस्टरबेंस को ही क्या बोला जाता है? तरंग बोला जाता है। यू नो, वाइब्रेशंस को ही क्या बोला जाता है? तरंग बोला जाता है। और वाइब्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं प्यारे बच्चों। आदमी का परिचय, ये वेव काम क्या करती है कि ये एनर्जी का ट्रांसफर, किसका? एनर्जी का ट्रांसफर उस आदमी के वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू नो, एक स्थान से कहां पहुंचा देती है? दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। किसी भी एनर्जी को, किसी भी ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर कर देती है। आइए बिल्कुल आसान से शब्द हम समझते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया, अब इसमें कंपन पैदा हुआ। मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया, फोर्स यहाँ पे लगाई, लेकिन इसमें जो झंझनाहट है, यू नो, जो हिलापन है, ये यहाँ तक पूरा हिल गया। तो सीधा सा मतलब है कि एनर्जी कहाँ लगाई है? इस स्थान पे। लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर धीरे 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 कणों के माध्यम से कहाँ तक हो गई? यहाँ तक हो गई। बात समझ आई होगी? तो एनर्जी का ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक कर देती है, वो क्या होती है? तरंग होती है प्यारे बच्चों। बात समझ पा होंगे मेरी? जब हम वेव की बात करते हैं प्यारे बच्चों कि वेव कितने प्रकार की होती हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो वेव होती हैं, जो तरंग होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। सीधी सी लाइन ले लेते हैं, वेव कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। अब वो दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं समझना मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। कौन महिला? एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है प्यारे बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव। आइए समझते हैं कौन कौन सी। उस महिला का ससुर है, मतलब एक होती है मैकेनिकल, इसके बेटे की पत्नी, ये है वो महिला। और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव, दो प्रकार की होती है भाई। इसको बोला जाता है हिंदी में अयांत्रिक तरंग। अब क्वेश्चन, और इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों यांत्रिक तरंग। महिला से क्या संबंध है? इसको क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग। अब ये होती क्या है? यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? अयांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? प्यारे बच्चों, बहुत आसान से शब्दों में देखेंगे, जिन वेव को चलने के लिए, जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, या माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है कि सर व्हाट इज माध्यम? यू नो, माध्यम को इंग्लिश में बोला जाता है, माय डियर स्टूडेंट, मीडियम। जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? यांत्रिक तरंग बोला जाता है। जस्ट हम इसकी बात करें कि इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट, यू नो, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए पहले हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
मैकेनिकल वेव के बारे में, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कि सर माध्यम क्या होता है, माध्यम में पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ प्यारे बच्चों, माध्यम कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। आपने एक पदार्थ नाम सुना होगा, चाहे वो कोई भी मैटर सब्सटेंस नाम सुना होगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है प्यारे बच्चों, बताया था आपने बचपन में आठवीं नौवीं दसवीं क्लास में पढ़ा होगा। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। कुछ नहीं होता वही माध्यम होता है। क्या मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता कि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए सॉलिड लिक्विड और गैस की आवश्यकता होती है, हाँ या ना बताइए प्यारे बच्चों। जब मैंने बोला कि माध्यम तीन ही प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। हिंदी में कहते हैं ठोस, द्रव और गैस। मैंने बोला कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसको, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ माध्यम तीन ही प्रकार का है, कि इसको चलने के लिए ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है, हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात प्यारे बच्चों। जहाँ पर ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना कोई भी माध्यम नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना धूल है, ना हवा है, ना मिट्टी है, ना पानी है, एकदम से एक वैकेंट प्लेस होता है, एकदम से खाली स्पेस होता है, उस स्थान को बोला जाता है निर्वात। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उस स्थान को क्या कहते हैं, निर्वात। तो पेपर में यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मैकेनिकल वेव होती हैं क्या वो निर्वात में गमन कर सकती हैं, क्या वो वैक्यूम में चल सकती हैं। इंग्लिश में निर्वात को बोला जाता है वैक्यूम, एकदम से जो खाली स्पेस है। तो प्यारे बच्चों ये वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं, ये नहीं गमन, नहीं चल सकती हैं, ऐसे लिख लो। इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता, मैंने बोला ना कि इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम। जहां माध्यम ही नहीं है तो वहां पे ये वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती हैं। प्यारे बच्चों एक बात और यहां से ध्यान दीजिएगा, जब मैं सॉलिड की बात करता हूं, जब मैं लिक्विड की बात करता हूं और जब मैं गैस की बात करता हूं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो और चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, क्या प्यारे बच्चों कोई सॉलिड कणों से मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा। मानो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये पेन है, क्या ये कुछ ना कुछ कणों से मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा। सर बिल्कुल बना होगा, इसके जो कण हैं वो पास पास रहते हैं कि दूर दूर। प्यारे बच्चों जो सॉलिड होता है, जो लिक्विड होता है और जो गैस होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होता है उसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। जो लिक्विड होता है उसके कण कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। लेकिन जो गैस होते हैं उसके जो कण होते हैं वो बहुत अधिक दूर दूर होते हैं, यस एंड नो। लेकिन कण तो है ना, चाहे सॉलिड है चाहे लिक्विड है, कण बेशक दूर दूर हो, किसी में पास पास हो, लेकिन कण तो है ना। अगर मैं निर्वात की बात करूं तो क्या निर्वात में कण पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। क्यों, तो क्योंकि ये तो एकदम खाली स्पेस होता है। तो मैं पेपर में यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट कि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है। किसकी प्यारे बच्चों, कणों की आवश्यकता होती है और कणों को बोला जाता है पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है प्यारे बच्चों, कणों की आवश्यकता होती है। किसको, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कणों की आवश्यकता होती है, यस एंड नो, क्लियर है प्यारे बच्चों। जब हम आगे इसमें जिक्र करते हैं प्यारे बच्चों, यांत्रिक तरंगों के बारे में हम जिक्र करते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव का हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पहले यांत्रिक तरंगों को कंप्लीट करते हैं। यांत्रिक तरंगें प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती हैं, जो मैकेनिकल वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सी, आइए इसको समझते हैं। चलो भाई तुम ऊपर चलो, या अगला पेज ले लेते हैं बच्चों। मैकेनिकल वेव आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स प्यारे बच्चों। जो फर्स्ट होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव। क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है प्यारे बच्चों, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और दूसरी होती है प्यारे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंग। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये दो प्रकार की तरंग होती हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन सी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्यारे बच्चों जो
ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये सॉलिड में चलती हैं और केवल द्रव की सतह पर चलती हैं। ये कहाँ चलती हैं? ये केवल सॉलिड में चल सकती हैं। ये कहाँ चल सकती हैं प्यारे बच्चों? ये सॉलिड में और कोई भी लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड की सतह पर। मैं नीचे लिख देता हूँ, लिक्विड की सतह पर। जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं प्यारे बच्चों, ये लिक्विड की सतह पर चल सकती हैं और सॉलिड में चल सकती हैं। लेकिन जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं प्यारे बच्चों, ये सॉलिड में भी चल सकती हैं, ये लिक्विड में भी चल सकती हैं और ये गैस में भी चल सकती हैं। मतलब ये तीनों में चल सकती हैं, बट ये कहाँ चल सकती हैं? ये सॉलिड में और लिक्विड की सतह पर चलती हैं। आइए, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं, इनको भी हम बहुत ही आसान से शब्दों में समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, दो बार बोलूँगा, दूसरी बार में समझ आएगा, शायद पहली बार में दिमाग में क्लिक ही करे बस। वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, पदार्थ के कण उस ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे गति कर रहे होते हैं। बात समझ आई प्यारे बच्चों? वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, देखिए वेव जो तरंग है जिस दिशा में गति कर रही होती है उस ही दिशा में, उसी डायरेक्शन में जो पदार्थ के कण हैं वो कैसे गति कर रहे होते हैं? ऊपर नीचे गति कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड अनुप्रस्थ तरंग। हाँ या ना? कैसे? आपने एक नगाड़ा देखा होगा, ढोल नगाड़ा जानते हैं? जो भी भारत देश से, पूरे भारत देश से देख रहे हो, वो नगाड़ा नहीं जानते हो तो ढोल या थाली या बेंच कुछ भी ले लीजिए, उस पर छोटे छोटे कण पड़े हैं और आप ऐसे ऐसे उस पर मारिए तो वो जो कण है वो कैसे कैसे उछलेंगे, थाली पे कैसे कैसे उछलेंगे, ऊपर नीचे उछलेंगे। तो वो जो तरंगे होती हैं प्यारे बच्चों, वही क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती है। वही क्या होती है प्यारे बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग होती है। हाँ है ना? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसी ही डायरेक्शन में पदार्थ के कण कैसे गति कर रहे होते हैं? ऊपर नीचे गति। क्या मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता कि अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है? बताओ प्यारे बच्चों, अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए पार्टिकल की रिक्वायरमेंट? हाँ। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ इज द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी, और मीडियम ही क्या होते थे? कण होते थे। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? अब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं। क्या अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं? दूसरी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग, इधर ही कर लेते हैं इसको। देखो भाई, वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है प्यारे बच्चों, वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसी ही डायरेक्शन में पदार्थ के कण आगे पीछे गति कर रहे होते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें कैसे कर रहे थे प्यारे बच्चों? ऊपर नीचे। इसमें कैसे कर रहे थे? ऊपर नीचे। और इसमें कैसे कर रहे हैं? आगे पीछे। और यहाँ से एक और एग्जाम्पल, टू एंड फ्रो कर रहे होते हैं। कैसे? टू एंड फ्रो। क्लियर है? इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जैसे इसका ना, ये ऊपर नीचे है भाई, ऊपर नीचे। दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि जितनी भी अनुप्रस्थ तरंग होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? वर्टिकल होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? वर्टिकल डायरेक्शन होती है। और जितनी भी अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं इनकी जो डायरेक्शन होती है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, माफी चाहूंगा प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर। क्लियर है भी? आगे पीछे, दिस इज हॉरिजॉन्टल। आगे पीछे, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? जैसे एक आपने देखा होगा भंडारे की लाइन लगी है, कभी गए हैं आप खाने के लिए भंडारे में,
है ना, जरूर लगे होंगे। जब आप भंडारे की लाइन में लगे रहते हैं तो कुछ ना उपद्रवी तत्व ऐसे होते हैं कि तो बीच में से लाइन को, पूरी की पूरी लाइन को धक्का दे देते हैं। जब आगे से एक कण जैसे ही धक्का देंगे तो सारी की सारी लाइन कैसे होती चली जाती है आगे, फिर आगे भी कोई एक आध ऐसा मिलेगा, फिर करे कैसे करेगा पीछे। मतलब वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जो जिसने धक्का दिया है ना वो है वेव। वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में पदार्थ के कण, उसके आगे जो लोग लगे हैं वो हैं छोटे छोटे कण, वो उसी डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं, आगे पीछे आगे भी। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे होगी, तो आगे पीछे गति कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड अनुदैर्ध्य तरंग। पेपर में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, जो साउंड वेव है ना, यू नो जो ध्वनि तरंग है, जो साउंड वेव है, वो कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। क्यों है? क्योंकि साउंड हमें सुन कैसे जाता है, देखिए प्रैक्टिकल समझते हैं कि किसी की आवाज़ हमें सुन कैसे जाती है। बच्चे कहते हैं कानों से, अरे कानों से तो सुनती है लेकिन कानों तक भी आवाज़ कैसे आती है? होता क्या है कि जैसे ही मैंने मुंह से बोला, कुछ भी बोला, हमारे एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी के ऐसे कण रहे होते हैं कि जो हमें नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब एक कण दूसरे में टकराएगा, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, और आपके कान के पास वाला जो पार्टिकल है उसे स्ट्राइक करेगा और ज्यों की त्यों ध्वनि आपको सुनाई दे जाएगी। क्यों? क्योंकि कण एक दूसरे से आगे पीछे टकरा टकरा कर टकरा टकरा कर आपको सुन जाते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जानी जाती है। हाँ या ना बताइए प्यारे बच्चों मुझे, इतनी बात मेरी समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों? क्लियर है ना? तो हमने क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? मैकेनिकल वेव, वेव क्या होती है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर कर देती है। वेव दो प्रकार की, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम तीन प्रकार का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जहाँ मीडियम नहीं होता है उस स्थान को वैक्यूम कहते हैं, तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, गमन नहीं कर सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस कण होते हैं, तो इनको चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है। ये दो प्रकार की होती हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव होती हैं और नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कहाँ चलती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं कि वर्टिकल होती हैं, तो इसकी कंप्लीट जानकारी वेव की केवल और केवल मैकेनिकल वेव के बारे में हमने जाना प्यारे बच्चों। अगली क्लास में हम नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में करने वाले हैं, तो पूरी की पूरी नॉन मैकेनिकल वेव को हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि वीडियोस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, आपके शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें और भी अच्छे से आगे काम करें। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में केवल इतना ही, तो अगली क्लास में फिर इसी अंदाज में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट।